छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस भाजपा अब आमने सामने हैं और इसके साथ ही सियासी रण में वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल के बयानों की निंदा की है और इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह एकदम सामने आ चुकी है। अब धनेन्द्र साहू जी कह रहे हैं पहले तय हुआ था कि बड़े लोग चुनाव लड़ेंगे पर बाहर जाके लड़ेंगे ये तय नहीं हुआ। सबने अपनी अपनी पसंद की सीटें छाट ली और बड़े लोग ही चले गए। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। भूपेश बघेल जी चुनाव लड़े वहां कार्यकर्ताओं ने मंच से कहा कि बाहर ही है। आज चरणदास बहन जी कहते हैं कि मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा तो हमेशा ईश्वर साथी रहा है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो अंतरकलह का बड़ा कारण है और लोग खाली छत्तीसगढ़ को लूटते रहे और इसके कारण आज अंतरकलह सामने दिखती है। हम कहते थे कि छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी आज स्पष्ट रूप से दिखती।